प्रचार में इस बार दोनों ही मुख्य दलों का फोकस सोशल मीडिया पर है, लिहाजा बीजेपी भी सोशल मीडिया के सहारे चुनाव की नैया पार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने हर जिले में साइबर योद्धा तैयार किया है, जो पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे ही करीब 2000 साइबर योद्धाओं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 21 जुलाई को मुखातिब होंगे और उन्हें आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। 21 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी आईटी विभाग की भी प्रदेश कार्य समिति राजमंदिर सिनेमा में सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। 10 बजे हमारा पंजीकरण शुरू होगा और 11 बजे हमारी कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट के दौरान बीजेपी का फोकस इस बात पर भी रहेगा कि कैसे यूथ तक केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाया जाए। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए ही विपक्षी दलों को भी करारा जवाब दिया जाए। हम सबको ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी नवाचारों को उपयोग करने वाली पार्टी रही है। सदैव भारतीय जनता पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विंग ने अपनी प्रभावी भूमिका हर चुनाव में दिखाई है, चाहे पिछले लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव ले ले और इस आने वाले चुनाव में भी आईटी और सोशल मीडिया की भूमिका आप सब लोगों के साथ साथ मीडिया के साथ साथ आईटी और सोशल मीडिया की भूमिका भी अपने अपने क्षेत्र पर महत्वपूर्ण योगदान देगी। अमित शाह अपने दौरे के दौरान ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पार्टी के साइबर योद्धा सिर्फ सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार तक ही सीमित न रहें, बल्कि विपक्ष की ओर से होने वाले जुबानी हमलों का भी सोशल मीडिया के जरिए जवाब दें। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।